हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम ओलंपिक गेम्स 2020 जो कि अभी टोक्यो जापान में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनसे कि आपको आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक गेम्स स्पोर्ट्स का एक महाकुंभ है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड इवेंट है जो कि हर बार 4 साल के बाद में कंडक्ट कराया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओलंपिक गेम्स जब कंडक्ट कराए जाते हैं उससे 3-4 महीने पहले जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं और इनके फिनिश होने के बाद में अगले 9-10 महीने तक जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए ओलंपिक गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो प्लीज़ सभी क्वेश्चंस को, सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिए। हम जो भी क्वेश्चंस आज कवर करने जा रहे हैं, दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनसे आपको आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आजकल हम उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज, ओलंपिक गेम्स 2020 आर विच एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। देखिए, अभी 2020 में टोक्यो में जो ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं ये उनका कौन सा एडिशन है, मतलब कौन सा संस्करण है? तो ये इनका 32वां संस्करण है। इट इज़ 32nd एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। और पहली बार ओलंपिक गेम्स कहाँ पर कंडक्ट कराए गए थे? ये एथेंस में कंडक्ट कराए गए थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है और एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको ये एडिशन पता होना चाहिए। इट इज़ 32nd, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स 2020। देखिए, जो भी इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनकी एक थीम होती है या मोटो होता है। तो इस बार के 2020 के ओलंपिक गेम्स जो हो रहे हैं, जो कि टोक्यो जापान में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो इस बार के ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या है? राइट, तो इस बार के ओलंपिक गेम्स का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकता है। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, व्हाट इज द मैस्कॉट फॉर टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। देखो, ये जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इनका एक मैस्कॉट भी होता है। राइट, और ये मैस्कॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और स्पेशली ओलंपिक गेम्स के जो मैस्कॉट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत ही बनता है कि इस ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था। ओके, तो देखो, 2020 के जो ये टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं इनका मैस्कॉट है मराए तोबा। ओके, ये जापान के कार्टून सीरीज का एक कैरेक्टर है। तो क्या नाम है इसका? इट इज़ मराए तोबा। राइट, सो इट इज़ द मैस्कॉट ऑफ टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं, 3 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाट ऑल स्पोर्ट्स आर एडिड टू ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम। इस बार जो 2020 में जो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं इनमें पहली बार कौन से स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है? तो ये स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? ये हैं स्केटबोर्ड, कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, बेसबॉल ऑब्लिक सॉफ्टबॉल। देखिए, बेसबॉल जो है ये पहले ओलंपिक गेम्स का पार्ट होता था लेकिन फिर इसको निकाल दिया था, अब इसको फिर से ऐड किया गया है। और ये स्केटबोर्ड जो है, देखिए, ये वही गेम है जिसमें जापान की एक 13 साल की लड़की ने गोल्ड मेडल जीता है एंड इट हैज़ बिकम ए रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लड़की ने ओनली 13 ईयर्स की एज में ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। और ये गेम कौन सा है? स्केटबोर्ड, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम। राइट, इन 5ों गेम्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। कौन कौन से हैं ये 5ों गेम्स? स्केटबोर्ड, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड बेसबॉल ऑब्लिक सॉफ्टबॉल। आपको बेसबॉल या सॉफ्टबॉल इनमें से कुछ भी मिल सकता है ऑप्शन में। राइट, इनसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशंस में, ये आप अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव इज,
हु वॉज मेड द एम्बेसडर ऑफ बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन बाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा एक कैंपेन थी ये ओलंपिक गेम्स के दौरान, जिसका नाम है बिलीव इन स्पोर्ट्स। तो इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो देखो, इसका एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया की शटलर पीवी सिंधु और चाइना की मिशेल ली को। इन दोनों को इसका एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, बिकॉज ओलंपिक गेम्स जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है और उसमें इंडिया की एक महिला खिलाड़ी एम्बेसडर बन रही है। ओके, सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए कौन है ये एम्बेसडर इस कैंपेन के, पीवी सिंधु एंड मिशेल ली। और देखो, ये कैंपेन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? बिलीव इन स्पोर्ट्स, राइट? ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु विल बी अवॉर्डेड बाय ओलंपिक लॉरेल प्राइज इन टोक्यो ओलंपिक्स। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओलंपिक लॉरेल प्राइज़ जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महान शख्सियत को दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया जाएगा बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जी को, और ये एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं। आप देखिए, इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि ये पर्सन नोबेल प्राइज़ विनर है। ओके, अपने आप में नोबेल प्राइज़ एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, और जो इंसान इस प्राइज़ को जीत रहा है तो वो इंसान कितना महान होगा। ओके, तो ओलंपिक का जो लॉरेल प्राइज़ है 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान जो दिया जाएगा, ये किसको दिया जाएगा? ये बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जी को दिया जाएगा। 5-स्टार क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु वॉज द ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिंजेंट इन ओलंपिक गेम्स 2020। देखिए, ये ओलंपिक गेम्स जो होते हैं तो हर कंट्री के जितने भी प्लेयर्स जाते हैं उनका जो एक कंटिंजेंट होता है, तो ओलंपिक गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में ये पूरा कंटिंजेंट अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर एक सर्कुलर वे में ये फ्लैग लेके चलते हैं। ओके, तो इस कंटिंजेंट को एक पर्सन लीड करता है, जैसे आपने आर्मी वगैरह में देखा होगा, तो एक लीडर होता है जो पूरे उस कंटिंजेंट को लीड करता है। तो इन द सेम वे इसमें भी जो खिलाड़ियों का एक कंटिंजेंट होता है उसको एक पर्सन लीड करता है, और वो अपने हाथ में अपनी कंट्री का फ्लैग लेके चलता है। ओके, तो फ्लैग बियरर होता है वो पर्सन। तो इस बार के जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हैं इसमें वो फ्लैग बियरर कौन था? तो ये थे इंडिया की बॉक्सर मैरी कॉम, जिनके बारे में मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट हर। शी इज़ ए 6 times वर्ल्ड चैम्पियन एंड इंडियन मैंस हॉकी टीम के करंट कैप्टन मिस्टर मनप्रीत सिंह। ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर थे ऑफ इंडियन कंटिंजेंट, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी, फ्लैग बियरर से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज हु विल बी द क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिंजेंट इन ओलंपिक गेम्स 2020। यानी कि 2020 के ओलंपिक गेम्स में जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी, देखिए अभी हमने बात की है ओपनिंग सेरेमनी की, जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी यानी कि जब ओलंपिक गेम्स खत्म होंगे तो यही काम फिर खत्म होने पर भी होगा क्लोजिंग सेरेमनी में, तो उस टाइम पर हमारी कंट्री की तरफ से ये फ्लैग बियरर कौन होंगे? तो ये होंगे इंडियन रेसलर मिस्टर बजरंग पूनिया। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओपनिंग सेरेमनी में होंगे मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह, एंड क्लोजिंग सेरेमनी में मिस्टर बजरंग पूनिया, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम सॉन्ग ऑफ इंडिया फॉर ओलंपिक गेम्स 2020। देखो, इंडिया का जो ये एथलीट्स का जो कंटिंजेंट ओलंपिक गेम्स 2020 में पार्टिसिपेट करने गया था, तो इनका एक ऑफिशियल थीम सॉन्ग था, तो वो क्या था, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था तू ठान ले, राइट? ये था ऑफिशियल थीम सॉन्ग फॉर इंडियन कंटिंजेंट फॉर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020, राइट? लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ IOC, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखो, हेडक्वार्टर्स में भी ये ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि ओलंपिक गेम्स एकदम हाईलाइटेड टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी के पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ये है ल्यूसेन में, जो कि सिचुएटेड है स्विट्जरलैंड में, राइट? स्विट्जरलैंड के ल्यूसेन में IOC का हेडक्वार्टर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। तो ये जीता है मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, और इनको सिल्वर मेडल मिला है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, राइट? ये पहली मेडल विनर हैं इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट कौन है? तो यह है मिस्टर नरेंद्र बत्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बोला था ना अभी कि ओलंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये एक हाईलाइटेड टॉपिक है अभी आजकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज हु वॉज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम फॉर ओलंपिक गेम्स 2020। देखो ये जो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं अभी 2020 में टोक्यो जापान में, इसमें जो इंडियन कंटिजेंट वहाँ पर जा रहा है तो उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? तो ये है आईनॉक्स ग्रुप। और देखो इसको याद कैसे करेंगे, ये कौन से कंटिजेंट का बन रहा है? इंडिया के कंटिजेंट का बन रहा है। इंडिया की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? आई एन से। तो इंडिया और आईनॉक्स में आई एन कॉमन है, और देखो आईनॉक्स में फिर तीसरा अल्फाबेट क्या है? ये है ओ। ओ मीन्स ओलंपिक। किसके लिए हो रहा है? ओलंपिक गेम्स के लिए। ओके, तो इंडिया का जो कंटिजेंट है, जो टीम्स हैं, उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? आईनॉक्स ग्रुप, राइट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक गेम्स। देखिए एक स्पोर्ट्स होता है रोइंग का, जिसमें कि बोट को रो किया जाता है। ओके, यानी कि तैराकी, नाव को चलाना, उसकी जो रेस होती है, नाव की जो दौड़ होती है, तो उसमें भारत की तरफ से पहली महिला कौन बनी है जिन्होंने कि ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है, और उन्होंने इसी बार किया है 2020 में। तो ये हैं नेत्रा कुमानन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वहाँ पर, लेकिन फाइनली आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमारे साथ में जो कम्पीट कर रहे होते हैं जो एथलीट्स, वो बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। एंड शी वॉज टेकिंग पार्ट इन ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक गेम्स। देखिए फेंसर होता है तलवारबाजी, राइट। जैसा आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, इसी तरीके से ये एक स्पोर्ट्स होता है फेंसिंग। ओके, तो भारत की तरफ से ऐसी कौन सी पहली महिला बनी है जिन्होंने इस स्पोर्ट्स के लिए, यानी कि फेंसिंग के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये हैं मिसेस भवानी देवी, राइट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्होंने भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जैसा कि ये पहला ओलंपिक गेम्स खेल रही थी, बट डिस्पाइट ऑफ इट आगे इनकी चुनौती बढ़ती चली गई और ये फिर हार गई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच कंट्री डिसाइडेड टू नॉट टू टेक पार्ट इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। किस कंट्री ने ओलंपिक गेम्स में इस बार की जो 2020 के हैं उनमें पार्टिसिपेट करने से अपने आप को पीछे हटा लिया था, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो ये कंट्री थी नॉर्थ कोरिया। इनका कोविड से रिलेटेड कोई इशू था तो इस वजह से इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ये बहुत ही न्यूज़ में रहने वाली कंट्री है। यहाँ के जो रूलर हैं मिस्टर किम जोंग उन, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। और देखो आपके लिए क्वेश्चन है कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज हु इज़ द ओनली इंडियन रेफरी टू ऑफिशिएट इन रसलिंग इन ओलंपिक गेम्स। देखिए जो ओलंपिक गेम्स में जो रसलिंग होती है, जो कुश्ती होती है, तो उसमें जो रेफरी होता है, तो भारत की तरफ से ओलंपिक गेम्स में रसलिंग में एकमात्र रेफरी कौन है? तो ये है मिस्टर अशोक कुमार, और ये दूसरे ओलंपिक में इस बार ये काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने रियो ओलंपिक में भी ये जिम्मेवारी संभाली थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं ओलंपिक गेम्स के लेवल पर इंडिया की तरफ से जो भी लोग हैं, पहले या ओनली वन, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से, राइट। देखो यदि आपको ये क्वेश्चंस लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है विच कंट्री वॉज बैंड फॉर वेट लिफ्टिंग इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। यानी कि इस बार के ओलंपिक गेम्स के लिए किस कंट्री को वेट लिफ्टिंग के लिए बैन कर दिया गया था? ओके, देखो सभी स्पोर्ट्स के लिए नहीं, ओनली वेट लिफ्टिंग के लिए। तो ये कंट्रीज थी थाईलैंड और मलेशिया, और इनकी वजह थी डोपिंग, राइट। देखो ये जो वेट लिफ्टर्स होते हैं ये एनर्जी बूस्टर्स ले लेते हैं, ओके, जिससे कि इनकी स्ट्रेंथ बनी रहे और ये अच्छा परफॉर्म कर सकें और ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर सकें। तो इस वजह से इन दोनों कंट्रीज को बैन कर दिया गया था फॉर वेट लिफ्टिंग फॉर ओलंपिक गेम्स 2020। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु वाज सिलेक्टेड एज मेन स्पॉन्सर फॉर टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। देखो ये अभी जो हमने स्पॉन्सरशिप की बात करी थी वो इंडिया की जो ओलंपिक गेम्स में जो पार्टिसिपेट करने वाली टीम थी उसका स्पॉन्सर जो कि था आईनॉक्स, राइट। अब ये है कि जो ये ओलंपिक गेम्स जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं इसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर था तो वो कौन था? तो ये था
MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन, और इसको ओलंपिक गेम्स के लिए ही नहीं आगे आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह के लिए भी स्पॉन्सर के तौर पर सेलेक्ट किया गया है, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू टेक पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स. फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट, राइट? तो ओलंपिक गेम्स में पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड के लॉरेल हबार्ट, और ये एक वेट लिफ्टर हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो जितने भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बनने को तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वमेन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक गेम्स. तो इंडिया की तरफ से पहली महिला गोल्फर ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन बनी है? तो ये है अदिति अशोक. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन जूरर फॉर ओलंपिक गेम्स. ओलंपिक गेम्स के लिए फर्स्ट इंडियन जूरर कौन बने हैं? ये देखो सभी ये 2020 वाले ओलंपिक गेम्स में ये सभी कामयाबी हैं इनकी, तो ये बने हैं मिस्टर पवन सिंह. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव व्हाट अमाउंट ऑफ मनी टू गोल्ड मेडल विनर्स इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020. देखो हमारे देश की कई राज्य सरकारों ने उन प्रदेशों से खेलने वाले एथलीट्स के लिए जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो गोल्ड मेडल जीतने वाले होंगे उनको कुछ इनामी राशि देने की राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की है. तो क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की तरफ से, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के हैं प्लेयर्स, उनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीते जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार उनको कितना अमाउंट देगी? तो देखो उनके गोल्ड मेडल जीतने पर उत्तर प्रदेश सरकार एवरी एथलीट को 6 करोड़ रुपीज़ देगी, राइट? जो उत्तर प्रदेश के प्लेयर्स हैं, तो देखो यदि वो गोल्ड मेडल जीत जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी चमक जाती है, क्योंकि 6 करोड़ जो अमाउंट होता है ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, उनको फिर कुछ ऐसा खास करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 इज़, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिमनास्टिक जज इन ओलंपिक गेम्स. देखिए जो जिमनास्टिक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो जज होते हैं, तो ओलंपिक गेम्स में जो जिमनास्टिक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इंडिया की तरफ से पहले जज कौन बने हैं जो कि ओलंपिक के जिमनास्टिक एक्टिविटीज़ में एज ए जज हैं? तो ये हैं मिस्टर दीपक काबरा. ओके, ये हैं ओलंपिक से रिलेटेड 24 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनसे कि आपको आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है. और अपकमिंग वीडियो में जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओलंपिक गेम्स, वो हम कवर करेंगे, जिनसे कि आपको आपके एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. और इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, राइट? और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वारी, सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. यू आर मोस्ट वेलकम, एंड यू कैन टॉक टू मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो. द लिंक ऑफ टेलीग्राम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ओके, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड SSB इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय फॉर नाउ.